कभी मैंने बिजनेस पढ़ा भी नहीं था, हमें सिर्फ दो कोर्सेज थे, एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग था और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, जो कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड था, जिसके अंदर अकाउंट्स की और मैनेजमेंट की बात थी, और वो जिस वक्त पढ़ा था वो सर के ऊपर से गुजरा था, लेकिन कुछ चीज़ें आज बिजनेस के अंदर वो काम आ रही होती हैं। इसके साथ साथ आपके पास ना बहुत सारी चीजें जो आप अनकॉन्शियसली सीख रहे होते हैं, ये मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सर ने बताया कि कुछ लोग हैं जिनके साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। जिस वक्त मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना स्टार्ट की ना, और मार्केटिंग करते करते गलतियाँ की और फिर दूसरों को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये समझ आया कि हमारी जो बाइंग बिहेवियर है ना, वो किसी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हम कुछ भी चीज बाय कर रहे होते हैं। अब वो ये भी हो सकता है कि शायद ये चीज मुझसे मिस आउट हो जाए, या शायद ये चीज कल अवेलेबल हो या ना हो। अब इस चीज को क्रिएट करना होता है, और जो लोग साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई होती है उनको इससे बेहतर शायद ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में नहीं पता। तो हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं, जिस वक्त हम अर्ली स्टेजेस में होते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं क्या मेरी एजुकेशन का स्कोप है या नहीं। तो एजुकेशन का स्कोप हर जगह होता है, आपने पढ़ाई कुछ भी की हुई है, इससे आपके प्रोफेशन का ताल्लुक हरगिज नहीं है। मैंने ऐसा अभी तक देखा है, मैंने पढ़ाई क्या की थी, मैं काम क्या कर रहा हूँ, आई डोंट कोड, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, कोडिंग मुझे नहीं आती, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं मुझे वो सारी चीजें उसके अंदर हेल्प आउट करती हैं। अब चाहे कोई भी डिफरेंट कोर्सेज हो, तो मुझे ये चीज बड़ी फैसिनेट करती थी, स्पेशली इकरा की। जब हम इकरा में होते हैं ना, जब हम पढ़े होते हैं, जब हमें इतना रियलाइज नहीं हो रहा होता कि ये क्या वैल्यू एड कर रही है, सही, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बाकी यूनिवर्सिटी से, बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी मिला हूँ, तो एक डिफरेंस है जो मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोर्सेज भी आपके ऐड किए गए होते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक, जो भी आपने चीज चूज की होती है उससे रिलेटेड नहीं होते। तो अक्सर ये कह रहे होते हैं आखिर हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, वो सवाल होता है कि भाई ये कोर्स तो बेकार है, इसका तो हमारी स्टडी से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो वो जिंदगी में कहीं ना इंप्लीमेंट होता है। प्लस अगर आपने कल को जाके बिजनेस करना है या किसी बिजनेस को सर्विसेज देनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मार्केटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए होगा ना, तो मैं ये जरूर देखूंगा कि उसको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है या नहीं, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आपका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा होता है, आपको ये जज करना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सही है या नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक है मेरे फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, आप लोगों का ई कॉमर्स से क्या ताल्लुक होगा, आप में से कोई ई कॉमर्स का पार्ट है अभी, कोई भी नहीं, कभी ई कॉमर्स है क्या, किसी को पता है? कॉमर्स समझने के लिए सबसे पहले ना कॉमर्स समझनी पड़ेगी। कॉमर्स की सिंपल डेफिनेशन है बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी और मैनेजमेंट, कुछ खरीदना और बेचना, ये कॉमर्स है। क्या आप लोग कॉमर्स का पार्ट है? आप लोग कॉमर्स का पार्ट है, सब है, कुछ खरीदते बेचते हैं। अच्छा, कॉमर्स खरीदना बेचना है, तो ई कॉमर्स क्या हुई? ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग। क्या ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का पार्ट है? आप सब लोग ई कॉमर्स का पार्ट है। किस किस ने सुना है कि ई कॉमर्स इज स्कैम? किसी ने सुना है? तीन हाथ कह रहे हैं कि भाई हाँ सुना है, ई कॉमर्स इज स्कैम। क्यों है ई कॉमर्स स्कैम? ये 100%
100% यही होता है हर बार। अब नहीं होता, क्यों नहीं होता? बेसिकली हम लोग ई-कॉमर्स, जिस वक्त ई-कॉमर्स के ऊपर स्कैम होते थे ना, अब तो बहुत कम हो गए, इस वक्त होते थे, उस वक्त लोगों को अवेयरनेस नहीं थी आखिर ये ई-कॉमर्स को यूज किस तरह करना है, प्लेटफॉर्म्स को यूज किस तरह करना है। सबसे ज्यादा स्कैम शायद दराज के प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ होंगे लोगों के साथ। अब रीजन क्या है उन स्कैम्स का? उन स्कैम्स का रीजन है कि वी डोंट रीड, हम पढ़ते नहीं। 80% सिनेरियो के अंदर होता है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। आप लोगों के भी कभी नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं और अगर बीच में कोई पॉपअप आता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ओके, आप उसको बिना पढ़े ओके करते हैं, आप कभी भी वो पढ़ते नहीं है, चाहे वो एरर लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो। किसी ने पढ़ के किया? क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम वो चीज समझना नहीं चाहते।